हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ साइकिल टॉक्स। अगर आपको साइकिल टॉक्स के बारे में नहीं पता है तो गो चेक आउट द एपिसोड 1 ऑफ साइकिल टॉक्स। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड इन दिस हार्ड टाइम ऑफ कोरोना। आज June 3rd है और आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है। वर्ल्ड साइकिलिंग डे 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था क्योंकि साइकिल एक बहुत ही एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि शुड यू वेयर अ मास्क व्हाइल राइडिंग योर बाइक। क्या आपको मास्क पहनना चाहिए? इसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च करी है और मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। पहली बात ये है कि बहुत से साइकिलिस्ट ग्रुप में राइड करते हैं तो उनके लिए मास्क पहनना एकदम कंपलसरी है। दे कैन नॉट डू अवे विद द मास्क। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जैसे कि दिल्ली हो गया या फिर एक बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड सिटी में रहते हैं और आप अगर सोलो राइड करते हैं तो मैं आपको एक बात रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप अब बिना मास्क के भी राइड कर सकते हैं टिल द टाइम पीपल आर नॉट अराउंड। मास्क पहन के निकलिए। जहाँ पर आपको ट्रैफिक दिखता है या फिर कोई रेड लाइट होती है तो आप उस मास्क को दोबारा चढ़ा लीजिए। अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि एक आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं या फिर एक रूरल एरिया में रहते हैं। देखिए, मास्क पहनना अनिवार्य उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में हैं, तो आप बिना मास्क के भी साइकिलिंग कर सकते हैं। हाउएवर, यू विल हैव टू कीप अ मास्क हैंडी ताकि अगर कोई इंसान आपसे बात करने आ जाए उससे आराम से बात कर सकें और वो भी बिना कोरोना से संक्रमित हुए। अगर आपको कभी हार्ट या लंग की प्रॉब्लम रही है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मास्क पहनकर साइकिलिंग मत करिए। आपकी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है और उसकी वजह से और इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो बेटर यही होगा कि आप फॉर द टाइम बीइंग जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जा रहा है आप तब तक साइकिलिंग मत करिए और आप अपने घर पे ही एक्सरसाइजेस करिए और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करिए। अगर आप मास्क पहन के साइकिलिंग कर रहे हैं तो मैं एक बात और आपसे बोलूँगा कि आप जाती स्ट्रेंथ के साथ एक्सरसाइजेस मत करिएगा क्योंकि मास्क पहनने से आपका जो एयर फ्लो होता है, जो आपके नाक में हवा जा रही है, वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करेंगे या वर्कआउट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा फैंटिंग करेंगे और उसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। काफ़ी साइक्लिस्ट के पास ये एक बफ होगा जो कि बहुत बार आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। इसमें SPF 50 तक बफ आते हैं तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर, यू विल हैव टू कीप अ नोट ऑफ दिस फैक्ट कि आपका जो बफ है वो इतना थिन ना हो कि वो वेरी रीज़न ऑफ वेयरिंग अ मास्क वो डिफ़ीट हो जाए। तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपका बफ थिक इनफ है जिससे कि आप अपने आप को कोरोना से बचा सकते हो। और हाँ, जब आप अपने घर जाइए तो आप अपने सारे कपड़ों को पहले डिसइंफेक्ट करिए और उसके बाद उसको धुलने में डाल दीजिए। इसमें आप लापरवाही मत करिएगा क्योंकि शायद ये लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है। सो दीज आर द थिंग्स आई वॉन्टेड टू टेल यू। वो ये है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर आप मास्क पहन के साइकिलिंग करते हैं तो आप हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग को रेप्लिकेट कर सकते हैं। देखिए, इस बात को मैं क्लियर कर दूं, मैंने स्टडी करके मैं आपको बता रहा हूं कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है मास्क पहन के। इन ऑर्डर टू डू हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग आपको हाई एल्टीट्यूड जगह पर जाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप बस मास्क पहन लीजिए और आप एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग को रेप्लिकेट कर सकें। तो आज के लिए मैंने इस बात को डिस्कस करने को सोचा और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आप चाहते हो कि मैं इसको पुट अप करूं और उसके बारे में डिस्कस करूं तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइए और एंड आई विल डिस्कस इट इन माय फ्यूचर साइकिल टॉक्स वीडियो।